अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आज के मशायरे के सदर मोहतरम आली जनाब, और सबसे पहले तो मैं एक आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे कहने का भरम रखा, लाज रखी। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सदर मशायरा आली जनाल हाज आली जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। हजरत, मुशायरा तो आपका कामयाब हो गया पक्का, और हमारे इसके लिए मुबारकबाद हम दे रहे हैं असगर भाई। बहरहाल मुशायरा बहुत कामयाब रहा। अब चूंकि बस ये खाना पूरी है, मैं कुछ आपके सामने पेश कर देता हूँ। दिया है तुमने मुझे गम गले लगाने को, दिया है तुमने मुझे गम गले लगाने को, बहुत संभाल के रखूंगा इस खजाने को। दिया है तुमने मुझे गम गले लगाने को, बहुत संभाल के रखूंगा इस खजाने को। और वो कह गया था कि जाऊंगा लौट आने को, वो कह गया था कि जाऊंगा लौट आने को, सजा के रखा है मैंने गरीब खाने। वो कह गया था कि जाऊंगा लौट आने को, सजा के रखा है मैंने गरीब खाने को। और दो अशार की जहमत मैंने एक शेर के लिए दी है, वो शेर समाज मैं खास तौर से सुने कि तुम अपने चेहरे की कालिक तो साफ कर लेते, तुम अपने चेहरे की कालिक तो साफ कर लेते, चले थे मुझको अगर आईना दिखाने। तुम अपने चेहरे की कालिक तो साफ कर लेते, चले थे मुझको अगर आईना दिखाने को, चले थे मुझको अगर आईना दिखाने को। एक मतला खास तौर सुना रहा हूं, सुने। खुद ब खुद सूरज मुखी की ज़हनियत मिल जाएगी, खुद ब खुद सूरज मुखी की, सूरज मुखी जानते हैं, यह सूरज जाता उधर वो देखती है, खुद ब खुद सूरज मुखी की ज़हनियत मिल जाएगी, खुद ब खुद सूरज मुखी की ज़हनियत मिल जाएगी, जब किसी के दिल की तुझको शहरियत मिल जाए। अरे क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। जब किसी के दिल की तुझको शहरियत मिल जाएगी, शहरियत मिल जाएगी, जब किसी के दिल की तुझको शहरियत मिल जाएगी। खुद ब खुद सूरज मुखी
नियत मिल जाएगी जब किसी के दिल की तुझको शहरियत मिल जाएगी। जब किसी के दिल की तुझको शहरियत मिल जाएगी। और शेर देखिए, अब जरा खास तौर से देखिए शेर कि खुद गरज लोगों में आकर मैं बहुत मायूस था। क्या बात है, क्या बात है। खुद गरज लोगों में आकर मैं बहुत मायूस था। खुद गरज लोगों में आकर मैं बहुत मायूस था। क्या खबर थी आप जैसी, क्या खबर थी आप जैसी शख्सियत मिल जाए। क्या कहने, क्या कहने। अब मैं आपको हम मुखातिब कर रहे थे, आप पता नहीं क्या कर रहे थे। खुद गरज लोगों में आकर, खुद गरज लोगों में आकर मैं बहुत मायूस था। खुद गरज लोगों में आकर मैं बहुत मायूस था। क्या खबर थी आप जैसी शख्सियत मिल जाएगी। क्या खबर थी आप जैसी शख्सियत मिल जाएगी। और फरीद भाई ये एक खास काफिया देखिए, इस काफिये को खुशी तौर पे ये नए बच्चे भी देखें, थोड़ा ये हमारा दावर देखिए, शायद किसी लायक हो। कि मेरे मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, क्या तुम्हारे दिल में है। मेरे बारे में बताओ, क्या तुम्हारे दिल में है। मेरे बारे में बताओ, क्या तुम्हारे दिल में है। इस तरह मेरी भी मुझको खैरियत बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहें, क्या कहें। मेरे बारे में बताओ, क्या तुम्हारे दिल में है। मेरे बारे में बताओ, क्या तुम्हारे दिल में है। इस तरह मेरी भी मुझको जाएगी, इस तरह मेरी भी मुझको खैरियत मिल जाएगी। एक दो तीन शेर और सुन लीजिए। समाप्त हुआ है।
किसको बावफा कहूं, किसको बेवफा कहूं, किसको बा मेरी शायरी आपको बिल्कुल आसान सी लगेगी, ऐसा लगे जैसे आप शायरी कर रहे हैं, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि बिल्कुल आसान आसान से समाज सुनाए। किसको बावफा कहूँ, किसको बेवफा कहूँ, किसको बावफा कहूँ, किसको बेवफा कहूँ, अपने घर की बात है दूसरों से क्या कहूँ, अपने घर की बात है दूसरों से क्या कहूँ, किसको बावफा कहूँ, किसको बेवफा कहूँ, अपने घर की बात है दूसरों से क्या कहूँ। कितने लोग आज तक आदमी न बन सके, कितने लोग कौन जी देखना, कितने लोग आज तक आदमी न बन सके, कितने लोग आज तक आदमी न बन सके, चाहते हैं मुझसे मैं उनको देवता कहूँ, कितने लोग आज तक आदमी न बन सके, कितने लोग आज तक आदमी न बन सके, चाहते हैं मुझसे मैं उनको देवता कहूँ। मैं तो ये शेर भी किस यहाँ यहाँ के को मुखातिब नहीं करूंगा, ये शेर जो सुनाने जा रहा हूँ इसका बिलग्राम से कोई लेना देना नहीं। कि पत्थरों कितने लोग आज तक आदमी न बन सके, कितने लोग आज तक आदमी न बन सके, चाहते हैं मुझसे मैं उनको देवता कहूँ। और ये शेर भी देखिए कि पत्थरों के शहर में तेरी कदर कुछ नहीं, तेरी कदर कुछ नहीं, पत्थर मैंने कहा था बिलग्राम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, उससे किसी शख्सियत का कोई ताल्लुक नहीं था, और इस शेर का बिलग्राम से कोई ताल्लुक नहीं। पत्थरों के शहर में तेरी कदर कुछ नहीं, पत्थरों के शहर में तेरी कदर कुछ नहीं, आ मेरी वफा तुझे कब्र का दिया, आ मेरी वफा तुझे कब्र का दिया।
पत्थरों के शहर में तेरी कदर कुछ नहीं, आ मेरी वफा तुझे खबर का दिया कहूं। मक्ता खास तौर देखें, राहते मसरते इस जहां में क्या नहीं, राहते मसरते इस जहां में क्या नहीं, राहते मसरते इस जहां में क्या नहीं, गम मेरा नसीब है ऐ जुबैर क्या क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह गम मेरा नसीब, राहते मसरते इस जहां में क्या नहीं, गम मेरा नसीब है ऐ जुबैर क्या कहूँ, गम मेरा नसीब है ऐ जुबैर क्या कहूँ। ये उम्र जो हम लोगों की है, अब एक जगह टिक के बैठने की है, हम मुशायरे उशारे में नहीं जाते, आपका मुशायरा आ गए, सब लखनऊ वाले बैठे, कोई मुशायरे में नहीं जाते कहीं, अब सिर्फ एक कमरा है उसमें हम रहते हैं। जरा उस कमरे की हकीकत आप लोगों को बता दें, सुनिए, मैंने ये बहुत खास जी चाह रहा सुना रहा हूँ, वरना मैंने अपना काम कर लिया है, सर हो गया। बेशक बिल्कुल, एक कमरे का जिक्र है जिसमें मैं रहता हूं, शायद आपको याद रहे, याद रह जाए ये तखलीक हमारी। पूछते क्या हो के क्या क्या है मेरे कमरे में, पूछते क्या हो के क्या क्या है मेरे कमरे में, पूछते क्या हो के क्या क्या है मेरे कमरे में, और यूं समझ लो मेरी दुनिया है मेरे कमरे में, यूं समझ लो मेरी दुनिया है मेरे कमरे में, पूछते क्या हो के क्या क्या है मेरे कमरे में, यूं समझ लो मेरी दुनिया है मेरे कमरे में, यूं समझ लो मेरी दुनिया है मेरे कमरे में। भैया शेर सुनिए कि जब भी जी चाहे नए ख्वाब मैं बुन लेता हूँ, जब भी जी चाहे नए ख्वाब मैं बुन लेता हूँ, जब भी जी चाहे नए ख्वाब मैं बुन लेता हूँ, एक ख्वाबों का झरोका है मेरे कमरे, एक ख्वाबों का झरोका है
मेरे कमरे में, जब भी जी जाए नए ख्वाब मैं बुन लेता हूँ। एक ख्वाबों का झरोका है मेरे कमरे में, एक ख्वाबों का झरोका है मेरे कमरे में। ओ जाग जाए न कहीं, जाग जाए न कहीं, सोया हुआ मेरा नसीब। जाग जाए न कहीं, सोया हुआ मेरा नसीब। जाग जाए न कहीं, सोया हुआ मेरा नसीब। गम दबे पांव गुजरता है मेरे कमरे, गम दबे पांव गुजरता है मेरे कमरे में, गम दबे पांव गुजरता है मेरे कमरे में। और ये शेर खास तौर से सुन लीजिए, गम दबे पांव गुजरता है मेरे कमरे में। ओ क्या बताऊं तुझे, कितना है मुझे तुझसे लगाओ। क्या बताऊं तुझे, कितना है मुझे तुझसे लगाओ। क्या बताऊं तुझे, कितना है मुझे तुझसे लगाओ। तू मेरे भेष में बैठा है मेरे कम, क्या बताऊं तुझे, कितना है मुझे तुझसे लगाओ। तू मेरे भेष में बैठा है मेरे कमरे में। ये सब आप पढ़वा रहे हैं आप हजार, ये अशार तो हम लोग पढ़ते नहीं कभी, इसको आपने कभी ना किसी YouTube में देखे ना कहीं देखे, इसको आज पहली बार पढ़ रहा हूँ समझ लें। जी जी, इसमें दो राय नहीं। क्या बताऊं तुझे, कितना है मुझे तुझसे लगाओ। तू मेरे भेष में बैठा है मेरे कमरे में। ओ चंपई नूर सा हर सिमत बिखर जाता है, चंपई नूर सा हर संत बिखर जाता है। रात जब चांद उतरता है मेरे, चंपई नूर सा हर सिमत बिखर जाता है। रात एक चांद उतरता है मेरे कमरे में, रात एक चांद उतरता है मेरे कमरे में। अब एक शेर, इतने अशार मैंने आपको सुनाए हैं, ये मेरा शेर खास तौर सुन लीजिए, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ये शेर। देखिए फरीद भाई, देखिएगा। रात एक चांद उतरता है मेरे कमरे में, ओ मैं वहां होके
बहुत गौर से सुनिए शेर, बहुत खासतौर मेरा खास शेर है। मैं वहां हो के ये लगता है नहीं हूं जैसे, मैं वहां हो के ये लगता है नहीं हूं जैसे, मैं वहां हो के ये लगता है नहीं हूं जैसे, और तू नहीं हो के भी रहता है। मैं वहां हो के भी लगता है नहीं हूं जैसे, मैं वहां हो के भी लगता है नहीं हूं जैसे, और तू नहीं हो के भी रहता है मेरे कमरे में, तू नहीं हो के भी रहता है मेरे कमरे में, मैं वहां हो के भी लगता है नहीं हूं जैसे, तू नहीं हो के भी रहता है मेरे कमरे में। और जैसे जैसे माजी की बहारों का जनाजा हो जुबैर, जैसे माजी की बहारों का जनाजा हो जुबैर, जैसे माजी की बहारों का जनाजा हो जुबैर, एक गुलदान भी रखा है मेरे कमरे में, एक गुलदान भी रखा है मेरे कमरे में, जैसे माजी की बहारों का जनाजा हो जुबैर, एक गुलदान भी रखा है मेरे कमरे में, एक गुलदान भी रखा है मेरे, मैं वहां हो के भी लगता है नहीं हूं जैसे, मैं वहां हो के भी लगता है नहीं हूं जैसे, ओ तू नहीं हो के भी रहता है मेरे कमरे में, मेरे कमरे में।